नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि अब गर्मियों का सीज़न आ चुका है, तो डेयरी फार्मिंग में जब भी सीज़न चेंज होता है तो मिल्क प्रोडक्शन होता है उस पर बहुत असर पड़ता है। अब जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और हो ही चुकी हैं गर्मियाँ स्टार्ट, और काफ़ी गर्मी भी होने लग गई है, तो इसकी वजह से फार्मों में दूध कम हुआ है। और एक किसान भाई का कमेंट था कि आप गर्मियों में ये बताइए कि गर्मियों में पशुओं को क्या खिलाना है, कैसे रखरखाव करना है, तो इसके विषय में बताइए। तो आज हमने सोचा कि इसे मैं आप लोगों को बताया जाए। तो जैसा कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने पशुओं के लिए पंखे की व्यवस्था करनी होगी। फ़ैन अपने पशुओं के लिए ज़रूर से लगाएं, भले ही छोटे हों, बड़े हों, कैसे भी हों, फ़ैन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ़ैन की वजह से, जब फ़ैन हवा देता है जिसकी वजह से पशु को काफ़ी रिलैक्स होता है और पशु जो है काफ़ी रिलैक्सेबल महसूस करते हैं। जैसे कि हमारे फार्म पर देखिए, अभी गर्मी है और फ़ैन लगा रखा है, पशु सारे बैठे हैं आराम से, बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं। रखरखाव में आपको अपने फार्म में वेंटिलेशन की व्यवस्था रखना बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेशन मीन्स हवा का पार्सल होना, जैसे कि इस एरिया से हवा आएगी तो इधर से पास हो जाएगी और इधर से हवा आकर इधर से पास हो जाएगी। इस प्रकार से वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशु जब आपस में पास पास बनते हैं तो पशुओं की जो हीट है वो आपस में टकराती है, और जिसकी वजह से जो हमारा फार्म है उसमें गर्मी बढ़ जाती है। अब पहले से ही बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा है, उसके बाद जो है अंदर हमारे फार्म में भी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से पशु का दूध सूखने लगता है। तो इसके लिए हमें पहले तो फ़ैन की व्यवस्था करनी है, उसके बाद वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेशन होगा तो अंदर की हवा भी बाहर पार्सल होगी और हवा का आवागमन चालू रहेगा, मतलब हवा अंदर बाहर होती रहेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बिल्कुल जो हमारा डेयरी फार्म का है वो नॉर्मल हो जाता है। आप अभी देख सकते हैं कि कोई भी पशु हाँप नहीं रहा है, उसकी कुछ वजह है। एक तो सबसे पहले गर्मियों में हमें इनके खान पान का बहुत ध्यान रखना है। खाने पीने में जैसे अभी तक यदि आप अपने फार्म में मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम का यूज़ नहीं कर रहे थे, पर विशेषकर गर्मी में आपको जो है कैल्शियम अपने पशुओं को देना बहुत ज़रूरी है, और मिनरल मिक्सचर भी साथ में देना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम जो है पशुओं में हाँफने की समस्या देखते हैं, तो वो जो हाँफने की समस्या होती है उसे दूर करने के लिए हमें पशु को कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप गर्मी में रेगुलर अपने पशु को 50 से 100 ग्राम जो है कैल्शियम देते हैं, तो उसकी वजह से जो है आपका पशु हाँफेगा नहीं, पशु का दूध भी कम नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम से पशु के शरीर में ठंडक मिलती है। अब कैल्शियम हमें कौन सा देना है? कैल्शियम हमें गर्मियों में स्पेशल चिलेटेड कैल्शियम देना है, प्लस साथ में मिनरल मिक्सचर भी हमें चिलेटेड ही खिलाना है, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है चिलेटेड मिनरल मिक्सचर और चिलेटेड कैल्शियम। तो जब भी आप कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर यूज़ करें तो आप चिलेटेड ही यूज़ करें, ताकि इनके शरीर में ठंडक बनी रहे। इसके साथ गर्मियों में पशु को गर्म चीज़ें देने से बचें, क्योंकि यदि आप गर्म चीज़ें देंगे पशुओं को तो पशु के शरीर में गर्मी बनेगी और इसके कारण उनके शरीर में और गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही बाहर गर्मी है और ऊपर से हम भी कोई गर्म चीज़ें यदि खिलाते हैं तो उनके शरीर में और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पशु जो है हीट स्ट्रोक में भी आ सकता है। तो गर्म पदार्थ देने से बचें। अब एक ख़ास बात, जैसे कि गुड़ गर्म होता है, पर गर्मियों में यदि हम उसका शरबत बनाकर अपने पशु को पिलाते हैं तो वो गुड़ ठंडी तासीर में बदल कर पशु को जो है काफ़ी रिलैक्स देता है। जैसे कि खाली पशु यदि आपके पास हो और दूध दे रहा हो, तो आप जो है पशु को गुड़ का घोल, ठंडे पानी में गुड़ का घोल बनाइए, जो हमारा नॉर्मल पानी होता है ठंडा, आप उसमें ही गुड़ फोड़ कर डाल दीजिए और उसका घोल बनाकर अपने प्रत्येक पशु को आधा से एक लीटर आप पर डे का दे सकते हैं।
बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे पशु जो है पशु के शरीर में ठंडक मिलती है और पशु जुगाली बहुत अच्छे तरीके से करता है। पशु का दूध बढ़ता है गर्मियों में यदि हम गुड़ का शरबत पिलाते हैं तो। जैसे कई जगह अभी गर्मियों में हरे चारे की व्यवस्था नहीं होती है, पशु का जो गोबर है उसके कारण कठोर हो जाता है, पर यदि हम ये गुड़ का पानी का घोल अपने पशु को देते हैं तो इससे पशु का गोबर जो है हरा टाइप हो जाता है, जैसे कि हमने हरा चारा खिलाया हो उस प्रकार से, और पशु का जो गोबर है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो आपको गर्मियों में अपने पशु को जो है गुड़ का घोल ज़रूर से पिलाना है, और यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आप हफ्ते में दो बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हफ्ते में दो बार पिलाने से, और यदि खाली पशु है तो आप रोज़ पिलाइए। इसके साथ पशुओं को आपको देना है, यदि आपके पास हाई मिल्किंग काओ है तो हाई मिल्किंग काओ को आपको 10 ml पर डे विटामिन एच ज़रूर से देना है। विटामिन एच का जो काम होता है पशु को ठंडक देना, तो यदि आप पशु को 10 ml पर डे विटामिन एच गर्मियों में खिलाते हैं तो आपका पशु कभी भी हाँफेगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फार्म पर गाय जनती है और ब्रीडेड बछिया या बछड़ा देती है, और वो ब्रीडेड बछड़ा या बछड़ी ठंड के दिनों में भी हाँफते हैं, बारिश के दिनों में भी हाँफते हैं, और गर्मी के दिनों में भी हाँफते हैं। तो ऐसी समस्या से बचाने के लिए हमें उसे रेगुलर जो है विटामिन एच देना चाहिए, और बड़ी गायों को भी हमें विटामिन एच गर्मियों में ज़रूर से खिलाना चाहिए, जिससे कि पशुओं को हफान ना हो। अब आते हैं नहलाने पर। गर्मियों में अक्सर हम पशुओं को नहलाते हैं कि ताकि पशुओं को ठंडक मिले, पर नहलाने में हमें कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे कि पशु को हमें दिन में नहीं नहलाना है। दिन में काफ़ी गर्मी पड़ती है, पशु का जो शरीर है वो गर्म होता है, और ऐसे में यदि हम उन पर पानी डाल देते हैं तो जिसकी वजह से इन्हें शीत गर्मी की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ठंडे और गर्म से दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। पशु को बुखार आ जाएगा, पशु में मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आ जाएगी शीत गर्मी की वजह से। अक्सर गर्मियों में मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह यही होती है ठंडे गर्म की। तो जब भी आपको अपने पशु को यदि नहलाना है, वैसे तो गर्मियों में आपको रोज़ अपने पशु को नहलाना है, पर उसका एक समय निर्धारित करिए, जैसे कि सुबह 11 से पहले आप अपने पशुओं को नहला लीजिए। 11 से पहले आपको जितना भी नहलाना है आप अपने पशुओं को नहला दीजिए, क्योंकि 11 बजे से पहले इतनी कोई ख़ास गर्मी होती नहीं है, तो आप 11 बजे से पहले उसे नहलाएंगे तो उसका शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल ही होगा। उसके बाद आपको नहलाना है तो बिल्कुल फिर 5 बजे के बाद नहलाइए, और दोपहर में हमें कभी नहीं नहलाना है, मतलब 11 से 5 के बीच का जो समय होता है इसमें हमें अपने पशुओं पर पानी नहीं गिराना है। कई बार ऐसा होता है प्रेग्नेंट पशु रहता है, हम दिन में उसके ऊपर पानी डाल देते हैं तो वो अपने शरीर में ही गर्मी बनाने लगता है, और जिसकी वजह से उसे आगे चलकर परेशानी आती है। तो इसलिए आप जब भी पशु को नहलाएं तो पशु को 11 से पहले नहलाइए या 5 के बाद नहलाइए। उसके बाद अपने डेयरी फार्म में फॉगर की व्यवस्था करिए। कम बजट के भी फॉगर लगते हैं तो आप फॉगर लगवा सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक टाइमिंग का सिस्टम वगैरह आता है कि आप एक बार लगाकर छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ही वो बंद चालू होते रहते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में पशुओं के ऊपर जो पानी बिल्कुल धुएं के प्रकार का होता है वो गिरता है, मतलब बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं गिरता, धुएं जैसा पानी होता है, जिससे कि चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल ठंडा हो जाता है पानी गिरने की वजह से, और जिससे पशुओं को गर्मी नहीं लग। हो सके तो गर्मियों में हरे चारे की व्यवस्था करिए, भले ही आप थोड़ा थोड़ा खिलाइए, पर थोड़ा थोड़ा भी यदि आप हरा चारा खिलाते हैं अपने पशुओं को तो गर्मियों में पशु को हरा चारा खिलाने से बहुत फ़ायदा होता है। एक तो उन्हें गर्मी कम लगती है, ठंडक होती है, और जो दूध हमारा पशु का कम हो जाता है वो वापस उसकी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। और गर्मियों में एक बात का और ध्यान रखिए कि पशु को बासी जो है खिलाने से बचें। जैसे कई बार हमारे घर में दाल सब्जी वगैरह बच जाती है तो हम सोचते हैं कि पशुओं को खिला दें, पर गर्मी के समय में हमारे पशुओं को हमें बासी खाना नहीं देना है,
वरना कई बार बासी खाने की वजह से पशुओं में अफरे की दिक्कत आ जाती है। गर्मियों में पशुओं को अफरे की समस्या ज़्यादा आती है, उसकी ये वजह यही होती है कि हम उन्हें जो है बासी खिला देते हैं। तो जब भी यदि आपके घर में खाना वगैरह बचे तो आप तुरंत ही बचा जब बच जाए आप तुरंत ही अपने पशु को खिला दीजिए। उसे 1 से 2 दिन रखकर मत खिलाइए, इससे पशु को जो है दस्त लगने का खतरा हो जाएगा या फिर उसको जो है उसका पेट फूलने लग जाएगा। और कई बार गर्मियों में ही ये समस्या आती है पशुओं में अफरे की, तो अफरे की समस्या से बचने के लिए हमें जो है पशु को पर डे 10 ग्राम मीठा सोडा ज़रूर से खिलाना है। अगर आप पर डे नहीं दे सकते तो कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन दीजिए। मीठा सोडा खिलाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमने इस पर पहले वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। पर यदि आप मीठा सोडा यूज़ करते हैं तो उससे पशु, जैसे गर्मियों में पशु के जो रूमन की गतिविधि है वो चेंज होती है, या तो बिल्कुल तेज़ चलेगा या धीमा चलेगा। जैसे हम मीठा सोडा खिलाते हैं तो जो उसके रूमन की गतिविधि है वो नॉर्मल कंडीशन में चलने लग जाएगी। तो इसके लिए आपको अपने फार्म पर पशुओं को मीठा सोडा है वो ज़रूर से देना है। गर्मियों के दिनों में भले ही आप आम दिनों में 24 घंटे की पानी की सुविधा पशुओं के लिए आप नहीं कर सकते, पर गर्मियों के दिनों में जो है आपको अपने पशु के लिए 24 घंटे की पानी की सुविधा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गर्मियाँ होती है तब जैसे हमारा गला बार बार सूखता है वैसे ही पशुओं का गला भी बार बार सूखता है। अब यदि हम 24 घंटे पानी इनके सामने नहीं रखेंगे, बिल्कुल टाइम टू टाइम इन्हें पानी देंगे, पर जब हम पिलाते हैं उससे पहले ही यदि इन्हें प्यास लगेगी तो उससे फिर जो है पशुओं को हफान चढ़ेगी, गला सूखेगा और पशु जो है दूध कम कर देगा, क्योंकि वो बेचैन रहेगा प्यास के कारण और जुगाली प्रॉपर नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से दूध जो है कम देगा। तो यदि हम 24 घंटे की पानी की सुविधा रखते हैं तो पशु भले ही दिन भर में एक एक घूंट पानी दिन भर पीता रहे तो उससे उसका गला भी गीला रहेगा, पशु जो है बिल्कुल रिलैक्स रहता है, उसको गर्मी कम लगती है जब वो थोड़ा थोड़ा पानी पूरे दिन पीता रहता है तो, और इससे मिल्क प्रोडक्शन में जो है बढ़त होती है। इसके साथ में जैसे आप पानी में ग्लूकोज आता है पशुओं के लिए, आप वो ग्लूकोज भी जब गर्मी ज़्यादा तेज़ पड़े तो आप घोल कर छोड़ सकते हैं। जब पशु को प्यास लगेगी तब पशु उस ग्लूकोज का पानी पी लेगा, जिससे कि पशु के शरीर में ठंडक बनी रहेगी। तो किसान भाइयों, हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। गर्मियाँ आ गई है तो प्लीज़ अपने पशुओं का ध्यान ज़रूर से रखिए। हल्का सा भी बुखार है आए तो आपको ज़रूर से ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर गर्मियों में पशुओं को बुखार बहुत जल्दी आ जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम का यूज़ अपने फार्म पर ज़रूर करें। भले ही आप दूसरे समय में दें या ना दें, पर गर्मियों के दिन में ये 2 चीज़ें ज़रूर से खिलाएं। हाई मिल्किंग काओ को 10 ml पर डे का विटामिक्स या विटामिन एच ज़रूर से खिलाएं। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।